MTN न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कन्नौज जनपद के शिवरामो में तालग्राम चौराहा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कहा कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों में सरकार फिर से बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर पर प्रवीण तोंगड़िया मोहन भागवत पर बोले, मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश आएगा हम सभी उसका अनुपालन करेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक परंपरागत अनुसार इस बार भी हो रहा है और उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी प्राथमिकता है, बहुत परिपथ पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और इसके सुंदरीकरण के लिए केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा हम भी आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये महोत्सव जो कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुर, एटा, इटावा के बीच का कार्यक्रम है और जिसमें लगभग इस मध्य के 10 जिलों के लोग बड़े पैमाने पर आते हैं, परंपरागत से ये बहुत महोत्सव निरंतर विशाल होता जा रहा है। लाख दो लाख की भीड़ से भी ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और खूबी यह है कि ये कार्यक्रम रात में होता है। विस्तार से भगवान बुद्ध, उनके दर्शन पर विस्तार से चर्चा होती है, बहुत से उसमें बौद्ध अनुयायी, भक्तागण और बौद्ध धर्मगुरु सम्मिलित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही है और भगवान बुद्ध के सम्मान में तमाम दुनिया के अन्य देश यहाँ आकर के बड़े विशाल भव्य और बुद्ध विहार भी बना रहे हैं। दर्जनों देश के बुद्ध विहार बन गए हैं और अभी बन भी रहे हैं, निरंतर प्रक्रिया चल रही है। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी आदि का महत्व है, उसी प्रकार से संकिसा का भी महत्व है। यद्यपि इस मेले में बड़े पैमाने पर सभी वर्ग, समाज, धर्म के लोग आते हैं, लेकिन शाक्य समाज बड़ी ताकत के साथ यहाँ पर आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है, कन्नौज से लेकर के मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, बदायूं आदि जिले जो प्रचंड और भारी संख्या में शाक्य समाज है, वो इसमें विशेष रुचि लेता है और कार्यक्रमों के आयोजक भी शाक्य समाज के लोग ही होते हैं। तो शाक्य समाज इसको अपना एक पर्व, एक त्यौहार के रूप में मनाता है और अपने महापुरुष भगवान बुद्ध को सम्मान देने की नीयत से बड़ी भीड़ के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। 5 राज्यों में चुनाव, भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आज विकास के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर काम हुआ है, सभी प्रदेशों में मोदी जी के विकास का एजेंडा और विकास का जादू चल रहा है। यहाँ तक कि मोदी जी के विकास का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है,
दुनिया का सबसे सशक्त संपन्न राष्ट्र अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति का कैंडिडेट श्री ट्रंप जी, मोदी जी के विकास के तर्ज पर अमेरिका में विकास कराने की दुहाई देकर के वहां चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज देश की जनता को विकास पसंद है, मोदी जी पसंद है, और यही कारण है कि मोदी जी के विकास की गूंज जिस तरीके से आज दुनिया में शिवपाल सिंह यादव रही है, उसके मुताबिक हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों में सरकार फिर से बनाएगी। शिवपाल सिंह यादव को मायावती का बंगला दिया गया है। सपा के नेता कहने लगे हैं बीजेपी के गठबंधन से डर कर ये सब हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, बंगला राजसंपद विभाग का है, सरकार का है, आवंटित किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब बंगले नेताओं से खाली करा लिए गए तो उसके बाद वो बंगले ना मायावती जी के रह गए, ना अखिलेश जी के रह गए, ना मुलायम सिंह जी के रह गए। वो सरकार के थे, सरकार के हो गए, राजसंपत्ति विभाग का हो गया। इसलिए ये कहना कि फला का बंगला खाली करा लिया गया सरासर गलत है। वो खाली बंगला था, सरकार का था, राजसंपत्ति विभाग ने उसको आवंटित किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रवीण तोगड़िया और मोहन भागवत के स्वर भागी हो रहे हैं, क्या कहना? यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश आएगा हम सभी उसका अनुपालन करेंगे। कन्नौज का लोकसभा प्रत्याशी कौन रहेगा भाजपा का? ये तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व खुद तय कर देगा कौन प्रत्याशी होगा और वो मीडिया को भी जानकारी मिल जाएगी उसमें जब हो सकती है। ओडिशा का भी महत्व है, यद्यपि इस मेले में बड़े पैमाने पर सभी वर्ग समाज धर्म के लोग आते हैं लेकिन शाक्य समाज बड़ी ताकत के साथ यहाँ पर आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है कन्नौज से लेकर के मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, बदायूं आदि जिले जो प्रचंड और भारी संख्या में शाक्य समाज है वो इसमें विशेष रुचि लेता है और कार्यक्रमों के आयोजक भी शाक्य समाज के लोग ही होते हैं। तो शाक्य समाज इसको अपना एक पर्व, एक त्यौहार के रूप में मनाता है और अपने महापुरुष भगवान बुद्ध को सम्मान देने की नीयत से बड़ी भीड़ के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। 5 राज्यों में चुनाव, भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आज विकास के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर काम हुआ है, सभी प्रदेशों में मोदी जी के विकास का एजेंडा और विकास का जादू चल रहा है, यहाँ तक कि मोदी जी के विकास का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दुनिया का सबसे सशक्त संपन्न राष्ट्र अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति का कैंडिडेट श्री ट्रंप जी, मोदी जी के विकास के तर्ज पर अमेरिका में विकास कराने की दुहाई देकर के वहां चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज देश की जनता को विकास पसंद है, मोदी जी पसंद है, और यही कारण है कि मोदी जी के विकास की गूंज जिस तरीके से आज दुनिया में शिवपाल सिंह यादव रही है उसके मुताबिक हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
सभी प्रदेशों में सरकार फिर से बनाएगी। शिवपाल सिंह यादव को मायावती का बंगला दिया गया है, सपा के नेता कहने लगे हैं बीजेपी के गठबंधन से डर कही है, सब हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, बंगला राज संपत्ति विभाग का है, सरकार का है। विकास के तर्ज, मोदी जी के विकास के तर्ज पर अमेरिका में विकास कराने की दुहाई देकर के वहां चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज देश की जनता को विकास पसंद है, मोदी जी पसंद है। और यही कारण है कि मोदी जी के विकास की गूंज जिस तरीके से आज दुनिया में शिवपाल सिंह यादव रही है, उसके मुताबिक हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों में सरकार फिर से बनाएगी। शिवपाल सिंह यादव को मायावती का बंगला दिया गया है, सपा के नेता कहने लगे हैं बीजेपी के गठबंधन से डर कही है, सब हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, बंगला राज संपत्ति विभाग का है, सरकार का है, आवंटित किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब बंगले नेताओं से खाली करा लिए गए तो उसके बाद वो बंगले ना मायावती जी के रह गए, ना अखिलेश जी के रह गए, ना मुलायम सिंह जी के रह गए। वो सरकार के थे, सरकार के हो गए, राज संपत्ति विभाग का हो गया। इसलिए ये कहना कि फला का बंगला खाली करा लिया गया सरासर गलत है। वो खाली बंगला था, सरकार का था, राज संपत्ति विभाग ने उसको आवंटित किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रवीण तोगड़िया और मोहन भागवत के स्वर भागी हो रहे हैं, क्या कहना? ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश आएगा हम सभी उसका अनुपालन करेंगे। कन्नौज का लोकसभा प्रत्याशी कौन रहेगा भाजपा का? ये तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व खुद तय कर देगा कौन प्रत्याशी होगा और वो मीडिया को भी जानकारी मिल जाएगी उसमें जब